नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। बिहार विधानसभा की चार सीटों के उपचुनावों के परिणामों ने जहां एक तरफ एनडीए के खेमे में खुशी की लहर पैदा करने का काम किया है, तो वहीं अपनी जीत के लिए आश्वस्त दिखने वाली आरजेडी को बिहार की जनता ने उस नींद और सपनों की दुनिया से झकझोर कर जगा दिया है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ख्याली पुलाव पका रहे थे कि चारों विधानसभा सीटों के उपचुनाव में महागठबंधन की जीत होगी। लेकिन चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया कि झारखंड में दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने में माहिर तेजस्वी यादव भले ही कामयाब रहे, लेकिन अपने ही गढ़, अपने ही राज्य में कमजोर साबित हो गए हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। अगले साल यानी 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले उपचुनाव हुआ जिसमें बिहार की चार विधानसभा सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में एनडीए ने अपना कमाल दिखाते हुए महागठबंधन का सूपड़ा साफ कर दिया। इन चारों सीटों के उपचुनाव 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता के मिजाज को समझने के लिए काफी अहम माने जा रहे थे, लेकिन उपचुनावों में विपक्षी महागठबंधन को बड़ा झटका देते हुए सूबे की सभी चार सीटों के महारण को जीतकर सत्ताधारी एनडीए ने क्लीन स्वीप कर दिया। उपचुनाव में महागठबंधन के साथ ऐसा तब हुआ है जब इन चार में से तीन सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन के उम्मीदवारों की जीत हुई थी। गया जिले की इमामगंज विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा लोकतांत्रिक ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। वहीं आरा जिले की तरारी विधानसभा सीट से जहां 2020 के चुनाव में लेफ्ट पार्टी के सुदामा प्रसाद की जीत हुई थी, तो वहीं इस उपचुनाव में भाजपा ने तरारी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार राजू यादव को पराजित कर कमल को खिलाने का काम किया है। वहीं इसके साथ ही बेलागंज विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक से सांसद बन चुके सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को चुनावी मैदान में टिकट देते हुए उतारा गया था, जहां अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए विश्वनाथ यादव को नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार मनोरमा देवी ने शिकस्त देकर बेलागंज में अपने तीर से लालटेन की बत्ती की लौ कम करने का काम किया है। वहीं कैमूर की रामगढ़ विधानसभा सीट पर जगदानंद सिंह के बेटे व आरजेडी प्रत्याशी अजीत सिंह चुनाव हार गए हैं। इस सीट को जगदानंद सिंह का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है और उपचुनाव से पहले आरजेडी ही इस सीट पर काबिज थी। वहीं जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने 2020 के चुनाव में रामगढ़ से जीत हासिल की थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में सुधाकर सिंह ने बक्सर सीट से चुनाव जीता और सांसद बने थे। वहीं इस बार के उपचुनाव में इस सीट पर भाजपा के अशोक कुमार सिंह ने जीत हासिल की है और आरजेडी इस बार तीसरे पावदान पर फिसल गई है, यानी अपनी ही सीटों को अपने ही गृह राज्य में बचाने में तेजस्वी यादव और पूरी की पूरी आरजेडी पूरी तरीके से विफल रही है। यानी देखा जाए तो जो तेजस्वी यादव बार बार अपने नीतीश चाचा की सेहत को लेकर फिक्रमंद दिखाई दे रहे थे, उसकी बार बार चर्चा कर रहे थे, और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव जो कभी एक्स पर 32 बार बिहार बराबर बलात्कार लिख रहे थे और MY समीकरण के तहत काम करने की योजना बनाई जा रही थी, तो उसे जनता ने सिरे से दरकिनार कर दिया है और ये बता दिया है कि तेजस्वी बाबू अब यहाँ ये सब नहीं चलेगा। वैसे इस उपचुनाव के परिणाम को लेकर अब आपका क्या कहना है हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी बिहार की किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और साथ ही कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको मिलेंगी बिहार से जुड़ी हुई हर एक खबर। धन्यवाद, नमस्कार।